हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी कलंज फ्लावर्स का सीजन तो ख़त्म होने वाला है, बट ये लास्ट ईयर में कैसे इसका केयर ले हूँ और आगे आप इसका कैसे केयर लेंगे, कब लगाएंगे, ये सारा चीज़ मैं आज बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक छोटा सा पॉट में मैं चार पौधा जब शिफ्ट की थी उधर से लेकर आई थी, फिर अक्टूबर लास्ट को इस पॉट में मैंने शिफ्ट कर दी। तो इसमें मैं जो ली थी सैंड जितना ली थी उससे आधा क्वांटिटी का सॉइल एंड कोकोपीट ली थी, और इसमें मैंने एक सेल थोड़ा सा मिलाई थी, जैसे कि लगभग 10% उसका, एंड जो भर में कंपोस्ट होता है उसका 10%। ये जो चार पांच चीज़ में मिला के मैंने पॉटिंग मिक्सचर बनाई थी, इसमें ही मैं वो कलंजो प्लांट्स को लगाई थी। अभी के ये दिसंबर फर्स्ट वीक का रिजल्ट, इसका मतलब लीव्स का ग्रोथ, प्लांट्स का ग्रोथ, लीव्स कितना शाइनिंग हो रहा है, बहुत सुंदर हुआ है। मुझे भी बहुत सुंदर लगा उसका, मतलब प्लांट्स को देख के, और फ्लावर्स आने के बाद शायद बहुत सुंदर भी लगेगा। कितना हेल्दी हुआ है, ये तो एक सेमी सेक्युलेंट का प्लांट है, इसमें भी पानी आप डेली चाहिए, धूप में भी रखिए पूरा। फिर जैसे ही बर्ड्स आना शुरू हुआ दिसंबर लास्ट वीक को, मैंने मेरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैं सब्जी का छिलका सुखा के पाउडर बनाती हूँ, चाय पत्ती, बनाना अंडा, ऑरेंज छिलका का पाउडर और थोड़ा सा नीम के डाली हूँ, ये तीनों को मिला के मैं दिसंबर लास्ट वीक में थोड़ा फर्टिलाइज़र चारों तरफ से खुदाई करके दे दी थी। फिर बर्ड्स देखिए अभी थोड़ा सा हल्का हल्का बढ़ने शुरू हो गया। तो अभी ये जनवरी सेकेंड वीक का इतना ग्रोथ उसका हुआ है कि मतलब बर्ड चारों तरफ से हर जगह में और नीचे से भी छोटा छोटा करके निकल भी रहा है। जैसे ही बर्ड्स मतलब फ्लावर ब्लूमिंग हुआ उससे पहले जनवरी लास्ट को मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइजर दी थी, जिसमें एक बनाना का छिलका और एक चम्मच चाय पत्ती मैंने आधा लीटर पानी में सुबह घोल के रखी और शाम को इसको दी थी। मतलब शाम को जैसे ही मतलब सनसेट से बिफोर उसका पानी, ये पानी मतलब फ्लावर्स बहुत अच्छा काम करता है, फ्लावर्स बहुत आता है इसमें और अच्छा भी खिलता है, बहुत दिन तक भी उसका फ्लावर्स ऐसे ही रहता है। ऐसे ही तो कलंजो फ्लावर्स बहुत दिन तक रहता है, बट इसमें इसको देने के बाद और भी बहुत ग्रोथ होने लगा, और भी बर्ड्स आने लगा, नया नया स्टिक निकल के और भी नीचे से भी बहुत सारा इसके बाद आ रहा था। तो ये जैसे कि मतलब जनवरी लास्ट फरवरी फर्स्ट वीक को मेरा इतना हो गया था, फरवरी तक तो पूरा फ्लावर्स, लास्ट तक पूरा फ्लावर्स आ जाएगा। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब दिन बे दिन फ्लावर्स खिलने लग गया और बहुत सुंदर भी लगा। जैसे कि साइड में भी मैं जो भी फ्लावर्स का पॉट है उसको सब लगाई थी, क्योंकि विंटर में भी तो बहुत सारा फ्लावर्स भी होता है। तो इसका मतलब ऐसे ही आप जब भी प्लांट्स लगाएंगे, मतलब इनिशियली जब कलंजो का फ्लावर्स आप मतलब प्लांटिंग करें जब भी शुरू में, तो विंटर का मतलब 2 मंथ्स बिफोर, जैसे कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट को नया प्लांट्स एक नया पॉट में, नया पॉट मीन्स जो पॉट में हम लगाए हैं पुराना वाला निकाल दीजिए, जो छोटा छोटा उसके पास में प्लांट्स न्यू ग्रोथ होता है उसको लगाइए, और जो मैं पॉटिंग मिक्सचर बताए उसमें ऐसे ही आप लगाएंगे, देखिए उसका कितना फ़र्क आ रहा है। मैं तो एक ही वेराइटी का लगाई हूँ, बहुत सारा वेराइटी का भी होता है, मेरे पास इतना प्लेस नहीं है इतना सारा प्लांट रखने के लिए, सो मैं एक ही वेराइटी का लगाई हूँ और इसमें भी एक ही में इतना सारा फ्लावर्स आया है, और बीच में दोबारा फर्टिलाइज़र इसमें बीच में करिए, देखिए फिर प्लांट्स में आपका कितना फ्लावर्स आता है। मोस्टली आप अगर ज़्यादा विंटर का जहाँ होता है तो थोड़ा सा लेट में होता है, बट दिसंबर में, दिसंबर लास्ट तक आ जाता है बर्ड्स, जनवरी फरवरी को मतलब फ्रूट ब्लूमिंग हो जाता है फ्लावर्स का, और ये पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3-4 महीना ये देखिए अभी ये मार्च सेकेंड वीक में भी इतना सारा फ्लावर्स है, नीचे नीचे छोटा छोटा जो फ्लावर्स पहले आया था वो भी सूखने लग गया है। ऐसे ही आप रहेगा तो अप्रैल लास्ट को इसका जितना सारा स्टिक निकला होगा उसको सब काट दीजिए, फिर समर जाएगा, जब रेनी सीजन आएगा तभी उसका न्यू ग्रोथ होगा, तो आप इसको अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही लगा दीजिए, फिर देखिए इसका क्या रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।